साहस सरोकार। हिजाब विवाद पर खड़गे ने भाजपा पर साधा निशाना, ओवैसी बोले मुस्कान को सुरक्षा नहीं दे पाए। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुई थी अपील, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही वक्त आने पर सुनवाई करेंगे। भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है चीन रूस की बढ़ती नजदीकियां, अधिक समय तक नहीं कर सकेंगे नजरअंदाज। विराट कोहली के समर्थन में उतरी सुनील गावस्कर, बोले मत भूलिए अफ्रीका दौरे पर फॉर्म नहीं है खराब। देश में कोरोना के 58,000 नए मामले आए सामने, 3 दिन बाद मृतकों की संख्या 1,000 से कम। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। हाथरस की सादाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा और बसपा अपने सम्मान की जंग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को भी किसी से कम नहीं आका जा सकता है, उनको भी जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छवि के सहारे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और वो तीनों प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ सकती है। मेरा संदेश जो है आम आदमी पार्टी से, जो गारंटीज दी हुई है मैनिफेस्टो में, ज़्यादातर सब ने पढ़ा हुआ है, जो दिल्ली का मॉडल है वही लेकर हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, और उसी को लेकर हम उत्तर प्रदेश में काम करेंगे और महिलाओं को और बेरोजगारों के लिए हम आवाज़ उठाने के लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आए। मैडम, ऐसे ऐसे दिग्गज हैं यहाँ पर और वहाँ, आप अपना स्थान कहाँ पाती हैं, किस लेवल पर हैं आप? मैं आम जनता के साथ हूँ और आम जनता के हाथ में ही है कि वो मुझे किस कहां तक पहुंचाती है। मेहनत करना और संघर्ष करना मेरा काम है, बाकी जनता ही जनाल। महाराजगंज जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर आगामी 3 मार्च को 6वें चरण में मतदान होना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों सहित निर्दल प्रत्याशियों ने नामांकन शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए विधानसभा अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। वहीं नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में मुख्य रूप से 9वां विधानसभा से बीएसपी उम्मीदवार अमन मणि त्रिपाठी और सदर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जयमंगल कनौजिया ने पर्चा भरा और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पार्टी ने हेलीकॉप्टर प्रत्याशी उतार दिया और तब भी हम लोगों ने प्रेम सागर को एक्सेप्ट किया और जो काम माननीय मोदी जी ने किया था वह जन जन तक हम लोग पहुँचाया था, उसका यह परिणाम था कि वह 51% वोट पाए। अब अगर पार्टी हमारे साथ न्याय करे तो उसको अवश्य अपना प्रत्याशी बदल देना चाहिए, क्योंकि जितना विरोध उस आदमी का सिसवां विधानसभा में है, कल वह भागाटार गए, वहाँ उनका मुर्दाबाद हुआ, उसके बाद वह किसी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कार्यकर्ता के नाम पर उनका बेटा, उनका ड्राइवर, उनका गनर और उनके 5-7 दल बदलू मित्र चल रहे हैं, यह उनकी हैसियत है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त हमें हुआ और जब से हम क्षेत्र में लेकर के हैं लोग दुगने और तिगने उत्साह के साथ हमारे साथ हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि भाई हम लोग लगातार समझा रहे हैं कि आप लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, लेकिन उत्साह इतना है कि लोग खुद अपने आप आगे बढ़ जा रहे हैं, तो जितना उत्साह है उतने गुना वोट फिर बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को और महाराजगंज के सांसद, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री आदरणीय सांसद पंकज चौधरी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को 5 साल का जो पिछले मौका मिला 17 में, मैंने जो सरकार की नीति थी, जो कार्य थे, जमीन पे लाया, उसको कराया, इसलिए भारतीय। मिर्जापुर में सालों से भाजपा के साथ रहने और साथ चलने वाले नेता मनोज श्रीवास्तव को भाजपा ने टिकट ना देकर करारा झटका दिया है। मनोज श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश भाजपा के कार्य समिति सदस्य हैं। प्रखर हिंदुत्व और मनोज श्रीवास्तव का मिर्जापुर सहित पूरे प्रदेश में अपना एक वजूद है। पिछले चुनावों में मनोज श्रीवास्तव ने टिकट की दावेदारी की थी। संभावित प्रत्याशी राजेश पांडे को टिकट मिलने की संभावना इस बार जताई जा रही है।
फतेहपुर में सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए दावा करती है, लेकिन सरकार के दावे की पोल खोलती साबित हो रही है। हदगाम से अफोई के बीच लगभग वन विभाग के अंतर्गत 6000 से अधिक बन रहे पौध फाउंडेशन का निर्माण घटिया सामग्री से किया जा रहा है। घटिया ईंट और अन्य सामग्री जैसे मिलावटी सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। जी, हम वन विभाग में वाचर। अच्छा, किस विभाग के हिसाब से काम हो रहा है? विभाग के हिसाब से काम। तो आप इसमें क्या क्या लगा रहे हैं? जी, हम लोग गंगा बालू जमुना बालू मिक्स करके 3-1 का मसाला लगवा रहे हैं। और ईटा? ईटा 2-1 और 3 मिक्स है सर जी, 2 नंबर ज्यादा है, आप मिला लीजिए। नहीं, मानक में तो नंबर 1 ईटा चलता है ना, मानक में नंबर 1 ईटा है और टोटल जमुना बालू से है, आप ये गंगा बालू लगा रहे हैं। जो मिल गया सर जी, हमने लगवा दिया था। यूपी में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे, जहां कछुआ थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में स्थित एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर करीब 3 लाख की कीमत के मोबाइल और 50,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और जांच में जुट गई। मुझे अवगत कराया गया है कि रात में एक मोबाइल शॉप पे, जो SB मोबाइल शॉप है मिस्टर विश्वकर्मा जी के यहाँ, उनके यहाँ 14 मोबाइल, एक लैपटॉप और कुछ कैश चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर 457-380 IPC का अभियोग दर्ज कर लिया गया है। और जो फुटेज वगैरह मिले हैं और जो और तथ्य मिले हैं, हमने जो टेक्निकल हमारी जो टीम होती है वो लगी हुई है, जल्दी ही इस मैटर में हम खुलासा कर देंगे और अभियुक्तों को गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई करेंगे। उन्नाव में माखी कांड की दुष्कर्म पीड़िता पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। वहीं पीड़िता की मां कांग्रेस से सदर सीट से प्रत्याशी है। माखी कांड की पीड़िता का कहना है कि आज इस युवती को मार दिया गया है, कैसे इस देश की बेटियां जिंदा रहेंगी, इस सरकार में पीड़ित पर ही मुकदमा लिख दिया जाता है, ये बहुत निकम्मी सरकार है, जिसने इस युवती को मारा है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। BJP सरकार में बेटियों को न्याय नहीं मिलता है, अन्याय होता है। और जो घर के सदस्य जाते हैं या FIR लिखवाने पुलिस के पास, तो FIR नहीं लिखी जाती है, घर के लोग भटकते हैं, फिर उसके बावजूद उन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा लिखवा दिया जाता है BJP सरकार में। ये तो BJP सरकार में अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, गलत होता है, मार दिया जाता है। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, जो इन दोस्तियों ने मारा है, जो भी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें एक मां ने खुद अपने बेटे को साड़ी से बांधकर 10वें फ्लोर से 9वें फ्लोर पर लटका दिया। दरअसल महिला का कपड़ा उसके नीचे वाले फ्लोर पर गिर गया था और उस फ्लोर का ताला लगा हुआ था। बच्चे को दोबारा सही सलामत ऊपर खींच लिया गया है, लेकिन थोड़ी भी चूक होती तो बच्चे की जान जा सकती थी। इस मामले में अब महिला को अपने किए काम पर पछतावा हो रहा है। हाँ, मैं बहुत गलत किया मैंने उस टाइम, मेरे मतलब दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं समझ में नहीं आया मेरे को, और मैंने ये गलती कर दी, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और मुझे अफसोस भी है। मेरे यहाँ पर एक लेडी का कुछ साड़ी वाड़ी ना नीचे फ्लोर पर गिर गई थी, वो लॉक था, उस लेडी ने बिल्डर को अप्रोच नहीं किया मेंटेनेंस ऑफिस में और सेल्फ डिसीजन लिया और बच्चे को ना एक साड़ी के थ्रू नीचे लटका दिया, जो कि बहुत ही रिस्की था, उसमें कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल ये बहुत गंभीर मामला है, और जैसे ही ये वो वीडियो हम लोगों के पास में आया, हम लोगों ने तुरंत प्रभाव से बिल्डर मेंटेनेंस ऑफिस में संपर्क किया, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस परिवार को नीचे बुलाया, उसको सोशली जितना प्रेशर डालना चाहिए था दिया, बाद में उसकी कंप्लेंट भी की, एक रिटर्न उसको नोटिस भी दिया है बिल्डर ने अपनी तरफ से, ताकि आगे से भविष्य में ऐसा। खबर मैनपुरी से है, जहां गांव में अपनी फसल की रखवाली कर रहे एक किसान पर सांड ने हमला बोल दिया। बता दें कि थाना कोरा क्षेत्र के ग्राम रामपुरा निवासी 65 वर्षीय वृद्ध किसान उस्मान अली की खेत की रखवाली करते हुए उग्र सांड ने पटक पटक कर जान ले ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। शाम को देर रात गाय के लिए बाबा हमारे घर से निकले और खेत पे पहुँचे, तो खेत पे गाय वगैरह लगी हुई थी, तो उन्हें गाय के मारने से सांड ने पटक पटक के मार डाला। सुबह पहुँचे तो वहाँ पे वो हमें पड़े मिले, उसके बाद में हम लोगों ने थाने में खबर पहुँचाई,
और हम लोगों ने SDM साहब को भी खबर पहुंचाई, CO साहब को भी और DM साहब को भी, और सारी घटना ये इस तरीके से हुई। यहाँ पे SDM साहब आए और वो कुछ नहीं, चले गए। कुछ बोला है उन्होंने? ना, वो बोला है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये है परिवार के, किसान परिवार को सांड ने मारा है उसको, इसलिए आए हम। और ऐसी घटना इस क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, अभी पीछे तखरू में हुई है, हम वहाँ गए तो वहाँ 4-5 लोग पहले से घायल कर दिए। और यहाँ ये सरकार का और यहाँ के विधायक जी की ये व्यवस्था है, इतने यहाँ गौशाले बने हुए हैं और वहाँ पैसा आता है इनमें, हमने देखा है गायों में टोकन भी लगे हुए हैं और गाय इन्होंने पैसा खाते हैं ये लोग और गायें फ्री छोड़ रखी हैं। आश्वासन हमने यही दिया है कि हमें मौका अगर मिलता है, आप लोग हमें मौका देते हैं, तो ये जितने लोगों की जो लोग घोटालाबाजी कर रहे हैं, जो गौशालाओं खोल रखी इन्होंने, पैसा इनका खा रहे हैं और इन्होंने खुली छोड़ रखी, इनके सबके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और पुनः इन लोगों पर सही चलाएंगे तो इन पर नहीं तो अन्य लोगों को देके और इन पर कार्रवाई करवाई जाएगी और सारी जितनी गायों सारी गौशालाओं। जनपद बस्ती में 6वें चरण के नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कई पार्टी के दिग्गज नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं इस दौरान सुरक्षित सीट महादेवा से बीजेपी प्रत्याशी रवि सोनकर ने नामांकन किया, तो वहीं हरैया से सपा प्रत्याशी त्र्यंबक नाथ पाठक और सदर से सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव समेत 4 विधानसभाओं में से 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके बाद सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए अपने क्षेत्र के विकास की बात कही। तो जनता का स्नेह प्यार जो मिल रहा है एकदम अस्वस्थ है 100%। और चुनौती मेरे सामने नहीं है, चुनौती जिन लोगों ने पैदा किया है चुनौती उनके सामने है, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। हमको तो जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है। और 2002 में जब हम चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, मात्र 428 सीट से चुनाव हार गए। 12 में हमको माननीय नेताजी ने कप्तानगंज चुनाव लड़ाया, कुल 15 दिन का समय था, नई विधानसभा थी जानते हैं, तब भी 56,000 वोट हमको वहाँ की जनता ने दिया, आशीर्वाद दिया, थोड़े वोट से रह गए नहीं जा पाए, बाकी चुनौती कोई नहीं, चुनौती तो जनता स्वीकार कर रही है उन लोगों की। हम तो लगभग 40-42 साल से हरिया की राजनीति कर रहे हैं, 1982 में पहली बार प्रमुख चुने गए। जो क्षेत्र की समस्या है, हमारे जो माननीय लिए हुए 15 साल वो थे, 5 साल थे, इन्होंने अपना विकास किया 15 साल, वो भी अपना विकास कर रहे हैं। क्षेत्र के बारे में आप अब एक एक ऐसी सड़कें पड़ी हैं, हम लोग तो दिन रात अनवरत क्षेत्र में चल रहे हैं, चलना मुश्किल है, गड्ढे हो गए हैं, पानी भरे हैं इस समय में, तो यही सब चुनौतियां हैं क्षेत्र के विकास की चुनौती है। विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है, वो चाहे विधानसभा की मानिए चाहे पूरे प्रदेश की मानिए, हमारा किसान रात को रात पूरा टार्च लेकर के लाठी डंडा लेकर के अपने खेत की रखवाली कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। 5 किलो राशन अगर दे रहे हैं, 150 रुपये का थैला है, 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, लोगों का 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा जितना जिसकी है सारी फसलें साथ हो जा रही हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है, किन मुद्दे को लेके आप क्षेत्र में निकलेंगे? तो ये सबसे पहले हमारा और सबसे बड़ा मुद्दा है, वाल्टरगंज चीनी मिल बंद है, उस चीनी मिल को चालू कराना है। जैसे ही सरकार बनेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पैर पकड़ करके उस चीनी मिल को चालू कराएंगे, जिससे गन्ना किसानों को लाभ हो और उस चीनी मिल के जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन बकाया है वेतन उनका उन लोगों को दिलाएंगे और बकाया गन्ना भुगतान जो है उसको कराएंगे, बाकी पूरे क्षेत्र का विकास कराएंगे। के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दोबारा हमें मौका दिया और ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया है वो महादेवा की जनता के का जो रुझान था, जो उनका आशीर्वाद था, इस कारण हमें दोबारा मौका मिला है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2017 में हमने वादा किया था कि हम 5 पुल बनाएंगे, हमने 5 पुलों का निर्माण कराया है, कुछ पुल बने हैं, कुछ गतिमान हैं। मैंने कहा था कि मैं राजकीय महाविद्यालय बनाऊँगा, जो माता मरही के मंदिर के बगल राजकीय महाविद्यालय आज गतिमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज प्रथम चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जिस प्रकार का उत्साह आम आदमी में, गांव, गरीब, किसान, मजदूर में दिखाई पड़ रहा है वोटिंग के समय, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।